गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो एक्सरसाइज 4.7 क्लास 10 सब्जेक्ट में, देखो एक्सरसाइज कौन सी है 4.7। सभी सवाल बता दिए गए, सवाल नंबर 19 में छोड़ा गया था, ठीक। सवाल नंबर 19 16 की तरह था, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, पूछा भी नहीं है। अगर आपका कोई भी सवाल ना लगे तो उसे पूछे जरूर, ठीक। एक एक सवाल आपको बोर्ड से कराया जा रहा है, आप जानते हैं आपका हाई स्कूल है तो एक एक सवाल करो, ये नहीं नाइन टेन कोई बात नहीं लग रहा है, जो ना लगे पूछो। सवाल नंबर 19 देखो कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, कोई नग है, नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो हमको पहले, अगर आपको बर्तनों की संख्या नहीं पता है तो कीमत नहीं पता हो पाएगी। हम मान लेते हैं बर्तन ने बनाए एक्स, तो एक लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या कहा आपने, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की, तो नग की लागत क्या है उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, संख्या एक्स है तो दुगने से कितनी अधिक, तीन अधिक, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी नग की लागत, ये क्या हो जाएगी बर्तनों की संख्या। आपका सवाल बिल्कुल ऐसे लग जाएगा जैसे नहीं था, बर्तनों की संख्या जैसे 55 कम करने पर सवाल ज्यादा कुटीर उद्योग वाला था। तो क्या लिखोगे, माना उस दिन जो माना जाता है किताबें में लिखा होता है, माना उस दिन माना, देखो लिखा है माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x, आप मान लेते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो बताओ क्या हो जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या लिखा जाएगा, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत लागत का मतलब क्या, मूल्य, क्या कह रहा है, माना बर्तनों की संख्या कितनी है, तो निर्माण लागत क्या कह रहा है, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या कितनी है एक्स, दुगना कितना हो जाएगा 2x, दुगने से तीन अधिक, कि दो अधिक, कितना अधिक है तीन अधिक, तो तीन अधिक मतलब क्या 2x, यहाँ कितने रुपए ले लेना भैया, ठीक रुपए ठीक, क्या जाएगा 2x प्लस 3 रुपए। अब देखो प्रश्नानुसार क्या निकाला जाएगा, प्रश्नानुसार जरा ध्यान से देखना, अगर आप इसकी परिभाषा मतलब क्या इसकी अगर भाषा नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज, तो दिक्कत होगी, सब आपके लैंग्वेज में लिखा होता है, क्या माने क्या नहीं माने। तो क्या कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, बताओ बर्तन एक्स थे और एक बर्तन की जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी 2 + 3, उस दिन कुछ बर्तन बने होंगे तो कुल, तो कैसे निकालेंगे, एक्स बर्तन है निर्माण लागत एक कितनी है, तो कुल मतलब निर्माण एक्स गुणे क्या जाएगा एक्स 2x + 3 बराबर कितना रुपए में कितना है 90। आपको जैसे एक पेन की मालूम हो, एक पेन की एक पेन बनाने में तुमको 5 रुपए लग रहे हैं, तो 5 पेन बनाना है तो 5 रुपए 5 रुपए लिखोगे भैया, 3 रुपए लगे तो नहीं। अब देखो जब तो क्या जाएगा 2x² + 3x = 90, कोई दिक्कत, अब बताओ 2x² + 3x = 90, तो क्या जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। आप क्या करेंगे, 90 × 180 जैसे फैक्टर करो तो कितना रहेगा 15, देखो कितना रहेगा 90, यहाँ कितना आएगा 45, 3 से कटेगा 15 × 45, 5 से कटेगा 3 से कटेगा 20 + 15, 5 × 15 = 12, 15 से 12 घटाओगे कितना आएगा 3, 15 और 12 की गुणा करोगे कितना आएगा 90, तो 2x² + 15 - 12
इंटू एक्स माइनस 90 बराबर जीरो को दिक्कत दिक्कत नहीं है जी किसी को। सभी सवाल इस तरह के सवाल बहुत बता दिए गए हैं, उदाहरण लगाए अगर कोई न लगता हो तो पूछे जरूर। की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी वाली जो किताब आपकी चल रही है राजीव प्रकाशन उसका एक एक सवाल एक एक उदाहरण लगाए अगर ना लगे तो पूछो। 2x² प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0 तो बताओ कितना कॉमन मिलेगा इन दोनों में, इन दोनों में x कॉमन मिलेगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15। आप बताओ माइनस 12x इसमें क्या कॉमन मिलेगा 6x एक्स नहीं तो 6 × 12 6 × 6 = 30 बराबर 0 प्लस का हो जाएगा क्या है क्योंकि माइनस का पहले छेदा तो 2x प्लस 15 बराबर x माइनस 6 बराबर 0 तो मान कितने आएंगे x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 2x प्लस 15 कोई दिक्कत नहीं दे देना भैया दिक्कत तो रही नहीं दिक्कत है तो 2x बराबर माइनस 15 x बराबर माइनस 15 बटे तो ये मान हो जाएगा क्या है जब मान अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो दोनों मान निकाल के देखे जाते हैं इसमें इसका मान कितना आया 6 और इसका मान कितना आया माइनस 15 बटे तो हमार निकला है बर्तनों की संख्या माइनस में त्रिकोणा होगी बर्तनों की संख्या माइनस में त्रिकोणा होगी क्या निकाला जाएगा अतः अब यही पर लिख देते हैं अतः उस दिन आप लोग यहाँ नहीं लिखेंगे आप लोग इसके नीचे लिखेंगे ठीक अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है 6 रुपए कितनी रुपए है एक्स लिखा है तो क्या लिख देते हैं 6 बर्तनों की संख्या 6 रुपए सुनो ना 6 मतलब संख्या क्या हो जाएगी 6 अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है 2x + 3 है तो क्या एक्स का मान कितना आया 6 और प्लस 3 तो कितना जाएगा 6 × 12 प्लस 3 कितना रहेगा 15 रुपए कितना रहेगा 15 रुपए कितना रहेगा 15 रुपए बहुत बढ़िया सवाल है पूछा भी जाता है ज्यादा कठिन भी नहीं है ज्यादा सरल भी नहीं ठीक भैया कितने रुपए आ जाएगा 15 रुपए आपको समझ में आया। अब देखो इसमें सभी सवाल बता दिए गए हैं अगर अभी कोई दिक्कत हो तो कोई सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछे जरूर। इसके एग्जाम्पल कितने हैं 10 एक एक एग्जाम्पल लगाओ एक एक सवाल लगाओ अधिक से अधिक लगाया करो ठीक और रिवीजन अपना करते रहो जैसे तुमको 9th में रिवीजन कराया जाता था कि हाई स्कूल में रोज 10 पेज आपको बता तो दिया गया था रोज 10 पेज कम से कम करना है तो पीछे जितना पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करते रहो रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं आपको कुछ नहीं आएगा। सवाल अब देखो ऐच्छिक प्रश्नावली जो थी सवाल नंबर 1 हमने बता दिया था 2 भी बता दिया है और दूसरे का सेकेंड पार्ट थोड़ी हिंट दे रहे हैं ठीक भैया दूसरे की सेकेंड पार्ट जो है थोड़ा हम हिंट दे देंगे और लगाओ पूछो थे क्या लिखा है 9x² आप पूछते तो है नहीं कुछ 9x² माइनस 9 लिखा है तो क्या लिखा है a प्लस बी यही तो लिखा है इंटू एक्स लिखा है हमारे साथ से फिर देखो प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस क्या लिखा है 2b² बताओ। अच्छा अगर आप यहां से कुछ कितना देखा देखो इसके कोई फैक्टर क्या बन रहे हैं अब बताओ 2×4 a² b² जोड़ने पर गुणा करने पर कितना है 4a² b² अब गुणा और आपको जोड़ने पर कितना है 5ab कितना है 5ab तो अगर आप ऐसा ऐसे लिखना चाहें क्या 4a और प्लस क्या कुछ भी लिख दो 4a या b अगर 4a है आपको कितना आना चाहिए 5ab तो 4ab प्लस ab अगर लिखा जाए तो कितना आएगा बताओ 4ab प्लस ab 5ab हो जाएगा अगर इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे हिसाब से 4a² b² हो जाएगा कोई दिक्कत। अब बताओ 9x² माइनस 9 ए प्लस बी इंटू एक्स क्योंकि हमें सी लाना है तो सी देखो कैसे लाते हैं अब बताओ इसके अगर फैक्टर किए तो हमने क्या करें आप लोग ब्रैकेट लगा देना ठीक पूरा सवाल बताएंगे नहीं लगाना आप लोग 2a² प्लस जोड़ने पर कितना आए 5ab
गुणा करने पर कितना है, फोर स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हैं, फोर ए बी और प्लस ए बी और क्या है, अरे एक्स तो इसमें है नहीं, एक्स वाला पद है नहीं कोई, तो नहीं कुछ, फोर ए बी प्लस ए बी प्लस क्या है, टू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब बताओ किसको क्या यूज कर रहे हैं, अब बताओ भैया, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, इसमें कुछ काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या, टू टू ए कॉमन मिला तो यहाँ क्या जाएगा, ए प्लस टू बी, इसे यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन यहाँ कॉमन मिलेगा बी, यहाँ क्या जाएगा, ए प्लस टू बी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना हो, ठीक। अब नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ए प्लस बी, देखो प्लस ए प्लस टू बी और क्या रहेगा, टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी। इतना सवाल आपको बता दिया गया है, बराबर जीरो लिखा था क्या, लिखा है। अब बताओ वही बिल्कुल बन गया है कि आप इसके फैक्टर करें, कि ये तुम्हारा अल्फा बीटा लिखा है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या लिखा है तुम्हारा, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा। तो आपको क्या है, गुणा करने पर कितना है, नाइन इसमें जोड़ना है, नाइन गुणा करना है और जोड़ने पर कितना है, इतना तुम्हारे हिसाब से कैसे तत्व बनेंगे, तीन ए प्लस टू बी और टू ए प्लस बी। अगर ना बने तो आप कमेंट में पूछिए जरूर, क्योंकि इतना छोड़ गए, ठीक। आपको इतना ही दे दिया गया है कैसे किया जाएगा, ठीक। आपके फैक्टर करना आपको बता दिया गया है, अगर ना लगा पाना तो पूछना जरूर, ठीक। इसका चार्ज वगैरह सही कर लेना, लिखा है एक्स माइनस ए, तो यहाँ जरा एक्स माइनस क्या लिख लेंगे आप, एक्स माइनस बी लिख लेंगे, जहां पर ए लिखा है ए माइनस बी, वहां पर एक्स माइनस बी लिख लेना, और प्लस क्या लिखा है देखो, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए बराबर में लिखा है ए अपान बी, और क्या लिखा है, बी अपान ए। इसका भी आप फैक्टर करेंगे, आपको बताओ छोड़ क्यों दिया जाता है सवाल, आप कुछ करें, अगर ना कर पाए तो पूछे, बताए, ऐसा सबको नहीं बताया जाएगा, बताया जाएगा, आप मुझे पूछे सवाल बताया जाए। अब बताओ इसका ऐसे हिंट दे रहे हैं, आप क्या करना, पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, फिर क्या लोगे, एक्स माइनस बी, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, यहाँ क्या आएगा, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए बराबर में ए अपॉन बी। इसका अगर कर लो भाई पहले से एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, कोई दिक्कत। अब बताओ इसका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक। अब देखो खोलोगे पहले तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का क्या रहेगा, टू एक्स, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी क्या, टू बी एक्स, टू बी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, बी एक्स, ये कह रहे ना भैया, माइनस का ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी अपान में क्या है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपान में ए, इतना छोड़ दीजिए, आगे कर सकते हो, नहीं ना कर पाना तो पूछना जरूरी है, ठीक। थोड़ा और कर देते हैं, एक्स कितना रहेगा, टू ए टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब माइनस का टू एक्स है और माइनस का टू बी एक्स है, टू एक्स और माइनस का टू बी एक्स, कोई दिक्कत है भैया। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस ए बी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में क्या है, ए बी। देखो गुणनखंड करने वाले करना जरूर, ठीक, आपकी एक्सरसाइज की तो नहीं है लेकिन करना जरूरी है। ए बी इधर आप गुणा देखो कुछ होता है क्या नहीं, टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ तो कॉमन जाएगा, माइनस का एक्स अगर कॉमन ले लें, माइनस का टू एक्स अगर कॉमन ले लें, हमारे हिसाब से ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक भैया। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए। ज्यादा करो तो और गुणा करके दिखाएं,
आप ये गुणा करेंगे ठीक, उसके बाद एक ही कुछ घात बनेगी, उसके बाद काम दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा तो एक और जीरो ए प्लस बी कुछ एक का एक जीरो आ जाएगा तो ए प्लस बी आएगा ठीक। अगर ना कर पाना तो पूछना जरूर ठीक, इतना आप बता दिए हैं, आप यहाँ से क्रिया गुणा करेंगे ठीक। ए बी आ जाएगा यहाँ सबके साथ, ए बी ऐसे मान लिख लिया ए बी है क्या जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू एक्स ए प्लस बी, और इधर अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी एक्स माइनस एक्स कामा दे जाएगा करो भाई माइनस का एक्स कामा दे लिए तो क्या जाएगा ए प्लस बी और प्लस ए बी, तो दिक्कत ज्यादा करना ऐसे ऐसे कुछ। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी लिखा है ठीक, अब इसको जरा इधर लाना, अगर ना कुछ हो तो बताना ठीक, हल करोगे तो गुणा करना रह गया ठीक, उसके बाद आपका काम मिल जाएगा। देखो सवाल नंबर आपका साफ है, बहुत बढ़िया सवाल है, कठिन भी है, दिमाग नहीं लगा पाते हो तो। देखो क्या लिख रहा है, विमाओ 50 मीटर और 40 मीटर वाले एक आयताकार लान है ठीक, के बीचों बीच में एक आयताकार तालाब इस प्रकार बनाया जाना है कि तालाब के चारों ओर लगी घास वाले भाग का क्षेत्रफल 1184 मीटर स्क्वायर हुआ, कर देखिए तालाब की लंबाई चौड़ाई। कोई विमाय मान लीजिए आयताकार लान है तो उसकी विमाय कौन सी है, 50, लंबाई कितनी इसकी है 50 मीटर, कितनी लंबाई है आप लोगों ने सवाल का चार्ट में पढ़े होंगे ठीक, कैलकुलेशन में ये कितना है 40 मीटर, इसमें क्या है घास का मैदान है और चारों तरफ है, तो मान लीजिए ये जो लंबाई है घास की जो है चौड़ाई, इसमें की चौड़ाई कितनी एक्स मीटर, कितनी मीटर एक्स मीटर, अगर ये एक्स मीटर तो भैया है तो सब तेरा बराबर है बराबर, ये भी कितनी एक्स मीटर, ये कितनी फिर एक्स मीटर, सब एक्स मीटर है। अरे पढ़े होगा फिर चार्ट में क्या कि मतलब एक ऐसा चार मैदान है इसके चारों ओर घास का रास्ता बनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे देता था ठीक, ये बताओ क्या है, ये भी एक्स मीटर। अब बताओ और आपको तालाब जो अंदर तालाब बनाए, तालाब आप तालाब की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, पूरी लंबाई है 50 तो तालाब की लंबाई एक्स ये घटेगी इधर एक्स ये घटेगी, एक्स घटाओगे कितना आ जाएगा, क्या जाएगा लंबाई इसकी 50 माइनस 2x, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत भी नहीं होती क्या, फिर इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी चौड़ाई 40 है, पूरे की चौड़ाई कितनी 40, एक सीधा घटी कितनी आएगी 40 माइनस 2x मीटर, ये जान पाए भैया, देखो क्या लिखा जाएगा आयताकार पार्क है लान, आयताकार लान की लंबाई कितनी है 50 मीटर, फिर आयताकार लान की चौड़ाई, लान की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर, तो बताओ आयताकार लान का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार लान का क्षेत्रफल, अच्छा एक बार बोलो बता रहे हैं, देखो इसे अंदर आ जाएगा इसका 50 बड़े 40, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई बड़े चौड़ाई, कितना जाएगा 520 2000 मीटर स्क्वायर। देखो भैया आप लोग पहले जान गए होंगे कि तालाब की लंबाई चौड़ाई कैसे निकालनी, चारों तरफ चौड़ाई मान लीजिए कितनी है एक्स मीटर, तो बताओ पूरी अगर लंबाई 50 मीटर है तो ये कितनी आ जाएगी 50 माइनस 2x का है, क्योंकि x मीटर इधर घटता है x मीटर इधर घटता है तो कितना x होता है 2x, 50 माइनस 2x, ऐसे इधर का x मीटर ये ऊपर था x मीटर ऊपर था नीचे था तो कितनी पूरी कितनी थी 40, 40 में 2x घटा दो कितना है 40 माइनस 2x। अब देखो इसमें कह रहा है कि तालाब के चारों ओर लगी घास वाले भाग का क्षेत्रफल, देखो तालाब कहाँ है, तालाब बीच में तो है, ये वाला तालाब कौन वाला तालाब, ये वाला पूरा तालाब इतना ई एफ जी है ठीक,
इसके चारों ओर क्या लगी है सर, ये घास, तो घास का क्षेत्रफल कह रहा है, घास का क्षेत्रफल कितना है, घास का क्षेत्रफल 1184 मीटर स्क्वायर। तो बताओ अगर आप आयताकार लांब से घास के मैदान, अगर आप उसका क्या नाम ये है, ये तालाब का क्षेत्रफल घटा दे, तालाब का क्षेत्रफल घटा दे, तो आपको क्षेत्रफल पता हो जाएगा घास का क्षेत्रफल। अगर आप पूरे से ए बी सी डी फाइव से ई एफ जी एफ घटा दे, तो आपको ये वाला पार्ट पता हो जाएगा, ये वाला पार्ट है। ठीक भैया, कोई दिक्कत, देखो क्या लिखा जाएगा, आयताकार का, अब आयताकार लान का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो तालाब की लंबाई कितनी आ जाएगी, आयताकार तालाब भी है भैया, आयताकार तालाब की लंबाई बताओ कितनी होगी, आयताकार तालाब की लंबाई 50 पूरी थी तो 50 माइनस 2x, बहुत लोग जान नहीं पाएंगे 2x हुआ कैसे, बताओ 50 पूरी लंबाई, x इधर घटाओ तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 2x तो आएगा, वही तो लिखा जा रहा है, आयताकार तालाब की चौड़ाई कितनी होगी, 40 माइनस 2x मीटर। अब बताओ अगर आप आयताकार तालाब का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत सरल सवाल है भैया, दिमाग लगाना थोड़ा बस, 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान लिख रहे ऊपर, अब बताओ घास का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, घास का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो बताओ कैसे आएगा, आयताकार लान का क्षेत्रफल माइनस तालाब का क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा, आयताकार लान का क्षेत्रफल, कक्षा में सवाल बहुत थे माइनस तालाब का क्षेत्रफल। ठीक, अब बताओ घास का क्षेत्रफल सबसे दिया है, क्या दिया है, घास वाले भाग का क्षेत्रफल 1184 मीटर स्क्वायर दिया गया, क्या दिया देखो 1184 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बताओ आयताकार लान का क्षेत्रफल कितना है, 2000, कोई दिक्कत, माइनस तालाब का क्षेत्रफल 50 माइनस 2x 40 माइनस 2x 1184 2000 माइनस 5×20 2000। ठीक, कुछ कर लिया इस चीज में, ठीक, 5×20 2000 हो गया, ठीक, 5×10 100x दिक्कत, माइनस 80x फिर माइनस का माइनस प्लस 4x² को दिक्कत। अब देखो 1184 2000 माइनस 2000 प्लस का 100 प्लस का 80 माइनस का 4x² दो हजार कट जाएगा भैया, अब बताओ कितना जाएगा, देखो तो 1184 180x माइनस का 4x², इधर क्या करते इधर ले आते हैं 4x² माइनस 180x प्लस का 1184 बराबर में 0 को दिक्कत। यह सवाल देखो बड़ा इतने बड़ा लग रहा है, लगाने में बहुत बढ़िया है, देखो इसमें 4 कॉमन मिलेगा तो क्या आ जाएगा 8x², 4×2 16, 4×5 20, 4×2 8 38 बचा, 4×9 36, 4×6 24। ठीक, तो x² माइनस 45x
प्लस 296 बराबर 0 सब साफ कर रहे भैया ठीक। ये सब जो लिखा था ये सब साफ कर रहे हैं, बात तुम देख लेना पहले ठीक। अब देखो इधर, अब 296 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 45 आए, गुणा करने पर 296 आए। देखो 296 दो एकम दो चक्कू आठ, चौट 16, दो सौ 14 दो चक्कू आठ, दो तिया 6, 214 37 एकम 37, चौदनी 4 में 8, 37 और 8, 37 और 8 8 और 15 45 क्या रहेगा 37 और 8 एक्स स्क्वायर माइनस 37 प्लस 8 एक्स प्लस 296 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 37 एक्स माइनस 8 एक्स सब 296 बराबर 0 एक्स कॉमन मिलेगा तो एक्स माइनस 37। अब देखो यहां से आपको नहीं मालूम कि क्या कॉमन ले, देखो एक्स लाना है वार्ड वर्क करना है, 8 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 8 या 24 कितना बचा 24 बचा 8 या 24 है और कितना बचेगा 24 5 8 सत्ते 56 तो एक्स माइनस 37 और एक्स माइनस 8 बराबर 0 एक्स माइनस 8 बराबर 0 तो कितना आ जाएगा 8 ठीक। एक्स माइनस 37 बराबर 0 कितना आ गया 37 बराबर 37 कितना आ गया 37। अब बताओ x का मान कितना, x का मान कितना 8। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा देखो पूछ रहा है तालाब की लंबाई चौड़ाई बताओ, बता तालाब यदि x बराबर 8 अतः तालाब की लंबाई तालाब की लंबाई कितनी थी 50 माइनस 2x तो 50 2x मतलब 16 50 माइनस 16 10 से 6 गया 4 4 से गया 3 तो कितना आ गया 34 मीटर। अतः तालाब की चौड़ाई कितनी थी 50 40 माइनस 2x 40 माइनस 2x 60 40 माइनस 16 10 से 6 गया 4 3 से गया 2 24 मीटर। अब बताओ अगर x बराबर 37 रखते हैं तो लंबाई माइनस में आएगी नहीं तो आपका 37 मान अमान्य हो जाएगा, इसलिए x बराबर 8। आखिर गुणा भाग अगर कहीं गलत हो जाए तो ये ना कहना कि गुणा भाग सबसे गलत हो सकती है, कहीं प्लस माइनस अगर छूट जाता है दिक्कत हो जाती है तो आपका कितना आ गया 34 और 24। बहुत बढ़िया सवाल है, सबसे पहले क्या किया गया पहले चित्र बनाओ ठीक, इसे सवाल कक्षा 8 में पढ़ते थे बहुत। उसके बाद क्या किया, अगर आपका आयताकार पार्क का देखो लान जो था उसकी लंबाई चौड़ाई पता थी, सबसे पहले उसका चित्र निकाल लिया, तालाब का पता नहीं था, सबके चारों ओर एक्स ही है ठीक, उसमें देखो चित्र बढ़िया निकायदा बना है आपके किताब में, एक्स इधर कम हुआ एक इधर कम हुआ तो पूरे टोटल कितना कम हुआ 2x 50 माइनस 2x लिख दिया गया, इधर x कम हुआ इधर x कम हुआ पूरा कितना था 40 तो 40 माइनस 2x तो वही लिख दिया गया। उसके बाद देखो अगर आप आयताकार लान के क्षेत्रफल से तालाब के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो घास का क्षेत्रफल आ जाएगा, घास का क्षेत्रफल आ जाने के बाद आप क्या किया x का मान निकाला, x का और लंबाई कितनी आ गई 34, तालाब की चौड़ाई कितनी आ गई 24। x बराबर अगर आप 37 रखते हैं, x बराबर अगर आप 37 रखते हैं तो दिक्कत क्या हुई कि इसकी बाद में लंबाई किसमें आ रही माइनस में, तो लंबाई है माइनस में तो नहीं होगी। आगे देखो होमवर्क भी अगर देख लो तुम लोग, पहले बात तो सभी सवाल पढ़ गए ठीक, अच्छी प्रश्नावली भी पढ़ गई है, बहुगतीय प्रश्न देखो पहला देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन होगी, द्विघात समीकरण आपको बताई गई है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक का मान 0 ना हो ठीक। सबसे पहले देखो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में आप क्या करेंगे हल कर लेंगे, जिसमें भी आपकी समीकरण किसी बने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में बने तो वही विकल्प सही हो जाएगा ठीक। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको मालूम है कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, चारों विकल्प देख लेना हल करके।
निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल दो है? अगर मूल दो है तो अगर आप x बराबर दो रखते हैं तो उसका मान जीरो आ जाए, बता दें क्या है सवाल। तीसरे का देखो, तीसरे में देखो ऑप्शन दिए गए आपको, बहुविकल्पी समीकरण है। अगर कोई भी सवाल ना लगे अभी तक, द्विघात समीकरण पूरी पढ़ गई समझ लो, अगर आपका कोई भी सवाल अगर नहीं लगा है तो आप कमेंट में पूछिए जरूर और देखिए जरूर इसको। ये ना समझना कि दोबारा पढ़ाया जाएगा, फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, सोचो कि एक सवाल बताया जाएगा तो पता भी है, बताया भी जा सकता है, तो आप रिवीजन जरूर करते रहे, कम से कम 10 पेज आपका हाई स्कूल है ठीक, ये देखे रहना। जैसे मान लीजिए आपको तीसरा है, तरह का मूल दो है, पहले हम पहली समीकरण क्या दी है देखो, तीसरे का तीसरा सवाल है, पहली समीकरण क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस चार एच। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि बहुपद अगर होता था तो दो जीरो आ जाता था, देखो क्या करेंगे, लिखा जाएगा यदि यदि एक्स बराबर दो समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। बहुविकल्पी है, दो का स्क्वायर माइनस चार गुणे दो प्लस पांच, दुनी चार, चार दुनी आठ प्लस पांच, तो पांच चार नौ माइनस आठ बराबर एक, मतलब एक मान आ गया तो गलत हुआ क्योंकि बराबर में क्या आना चाहिए ना, जीरो ठीक। ये समीकरण तुम्हारी नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस बारह बराबर जीरो है, सेकेंड क्या है, यही तो है, एक्स का मान कितना दो, तो दुनी चार, तीन गुणे कितना दो, माइनस का बारह चार, तीन दुनी छह, ये भी नहीं होगा ठीक। अब देखो तीसरा टू एक्स स्क्वायर दो गुणे दो का स्क्वायर माइनस सात एक्स सात गुणे दो प्लस छह, दो दुनी चार दुनी आठ माइनस चौदह प्लस छह, तो आठ छह चौदह माइनस चौदह बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपको हल करना आ जाए तो जितने विकल्प में आ जाए, अब देखो कोई समीकरण दे देगा, कौन वाली मान लीजिए समीकरण दे दे आपको, क्या है टू एक्स स्क्वायर क्या लिखा माइनस सेवन एक्स प्लस छह बराबर जीरो, अगर आपके विकल्प में आता है तो विकल्प नहीं, इसे मन में रख सकते हो। अगर आपका सवाल आ गया क्या करेंगे, एक नंबर का आ गया दो नंबर का आ गया, क्या लिखोगे, यदि एक्स बराबर दो समीकरण का मूल है, समीकरण का एक मूल है तो मूल है तो ये समीकरण को लिख दे भैया, समीकरण को संतुष्ट करेगा, लिखा है समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो दो गुणे दो का स्क्वायर माइनस सात गुणे दो प्लस छह बराबर जीरो आना चाहिए ठीक। दो चार दो का स्क्वायर चार, सात दुनी चौदह प्लस छह, चार दुनी आठ माइनस चौदह प्लस छह, आठ छह चौदह माइनस चौदह कितना जाएगा जीरो, जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो, क्या लिख दिया जाएगा एल एच एस बराबर आर एच एस, एच एस बराबर आर एच एस, सत्ता है समीकरण का मूल है ठीक। अगर आप इसे एल एच एस पर ले रहे हो या एच एस पर ले रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक, बाद में इसे बता दिया गया तुमको बस। विकल्प नंबर चार, यदि समीकरण का एक मूल एक बटे दो है तो एक का मान ज्ञात करो, ये भी बहुत सरल है, क्या है देखो कराए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का पांच बटे चार, पांच बटे चार बराबर क्या लिखा है जीरो, कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्या है का एक मूल एक बटे दो है तो के का मान बहुत सरल, क्या लिखोगे यदि 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 समीकरण का एक बटे दो मूल है, समीकरण का एक बटे दो एक मूल है, विकल्प है तो हम नहीं करना है जी, मूल है तो समीकरण में एक्स बराबर कितना रखने पर एक बटे दो रखने पर कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर मतलब क्या एक बटे दो का स्क्वायर प्लस के एक्स के गुणे एक बटे दो
माइनस का 5/4 बराबर 0। अब देखो 1/4 प्लस 3/2 माइनस का 5/4 बराबर 0 क्या आएगा? 1/2 देखो 1/5/4 माइनस का 1/4 कोई दिक्कत? 1/2 4/4 1 के बराबर 1/2 बराबर 1/3 गुणा करोगे तो के का मान कितना आ जाएगा? 2। अतः के का मान 2 है। क्या ऑप्शन कोई है? ऑप्शन नंबर 1 चौथे का है। निम्नलिखित में से किस समीकरणों के मूलों का योग 3 है? इसके दोनों मूल निकाल लेना, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहे आप इससे निकालना था धराचार से। अगर अल्फा दोनों का योग, अल्फा बीटा का योग अगर कितना आ जाए? 3, तो वही समीकरण मूल होगी। ना लगे पूछो जरूर, कोई दिक्कत को ना ऐसे बता रहे हो। सवाल नंबर 6 के वे मान ज्ञात किए इनके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, निम्नलिखित है। देखो ये भी मूल बराबर होते थे तो क्या होता था? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? 0। बहुत सरल सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, देखो कैसे लगता है। देखो हम जो बता रहे हैं वो अगर आप ना लगा पाना तो पूछना जरूर। ठीक, पहली बार तो कल हम बता देंगे, कुछ छूटेंगे तो आप गणित मान जाती है। इसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, देखो देखो 2x² - kx लिखा है, 2x² - kx प्लस k बराबर 0 लिखा है। k मूल बराबर है, क्या लिखोगे? पहले लिख लो मानक द्विघात समीकरण, मानक अगर लगाना है कैसे लगाते हैं बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मानव द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 तथा a का मान 0 ना हो से तुलना करने पर, a का मान 2, b का मान -k, c का मान +k। अब क्या लिखोगे? देखो लिखा है मूल बराबर है, यदि समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो कौन सवाल है भैया? सवाल नंबर 6 तो डी का मान क्या होता है? 0। तो डी बराबर होता क्या है? दिखाई दे रहा भैया? नहीं, b² - 4ac दिखाई दे रहा? डी बराबर b² - 4ac नहीं, डी बराबर b² - 4ac d = b² - 4ac b का मान क्या है? 0। लंबा वीडियो है, b² - 4ac b का मान क्या है? माइनस का k 4ac, a का मान 2, c का मान k, तो क्या आ जाएगा? देखो भैया अगर आप 0 बराबर k² - 4×8k यही तो आएगा। अब बताओ अगर आप ऐसे करते हैं k का मान ले लेते हैं तो k - 8, तो k - 8 = 1/0 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? k = 0, तो k = कितना आ जाएगा 8, और k = कितना आ जाएगा 0। आपको विकल्प चेक करना है, विकल्प में जो कह रहा है उसके हिसाब से देख लो, कह रहा है क्या मूल बराबर होंगे। अरे आपसे बहुत बढ़िया दिया है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर कठिन होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया क्या ऐसे आते हैं, आप के स्क्वायर 8 के करते और सोचते क्या कि के को 2 मान लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 8 में के तो के काट देते, के 8 आता। अब तो वहां ऑप्शन मिलाते कहते कि क्या देखो विकल्प सी आ गया, केवल सी 8, आपका यही से गलत हो जाता, विकल्प कौन सा सही होगा? डी। विकल्प कौन सा सही होगा? डी, छठे का डी। ऐसे भी सवाल बिल्कुल कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं उसमें विकल्प उनको लगेंगे, 4 विकल्प दिए होते हैं, 2 तो विकल्प उनको मालूम है कि गलत है, 2 विकल्प ऐसे बचते हैं कि लगता है कि ये भी सही, ये भी सही। अब दोनों अगर आप थोड़ा भी चूकेंगे तो गलत जरूर हो जाएगा। जैसे ये विकल्प था, आप भाई आए, आप यहां तक आए, आराम से 8 पाया, और पहले मिल जाएगा 8, सी लगाइए फट से, और सी कहां दरअसल में? ऑप्शन कौन सा होगा? डी।